एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोसेसर 8085 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे कि कैसा आर्किटेक्चर है आपके माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। माइक्रो प्रोसेसर 8085 की प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, ये आपका क्या है, ये आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इंटेल द्वारा 1977 में एनमॉस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया है। ओके, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। 8 बिट का डेटा बस होता है, 16 बिट का एड्रेस बस होता है, 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है, 16 बिट का स्टैक पॉइंटर होता है, 6 8 बिट रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि पेयर में यूज़ किए जाते हैं, एंड प्लस 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए, और 3.2 मेगाहर्ट्ज की सिंगल फेज क्लॉक दिया जाता है। ठीक है, तो इतना हमने कुछ सब कुछ डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब हम आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और सारे जितने भी इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सारे को हम एक एक करके देखेंगे क्या है, क्या यूज़ है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेटर से। तो ये हाँ है आपका, यहाँ देख लेते हैं हम क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपका लगा हुआ है ये आपका जो ये दिया हुआ है, ये क्या है आपका इंटरनल डेटाबेस है। ठीक है, क्या है इंटरनल डेटाबेस। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, ये है आपका इंटरनल डेटाबेस। ओके, इंटरनल डेटाबेस से आपका कनेक्टेड है एक्यूमुलेटर। ओके, देन टेम्पररी रजिस्टर, देन आपका फ्लैग फ्लिप फ्लॉप एंड ALU। ठीक है, उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग, एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। एंड यहाँ पे हम जूम करके अगर देखें इसको तो ये है आपका, यहाँ पे आपका ये रजिस्टर का एरे दिया हुआ है। ठीक है, और फिर हमारा ये दिया हुआ है एड्रेस बफर एंड डेटा एड्रेस बफर। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर, तो ये है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे आपका इंटरप्ट कंट्रोल दिया हुआ है एंड सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूमुलेटर की। सो एक्यूमुलेटर क्या है? तो एक्यूमुलेटर है आपका 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, जिसे हम क्यों यूज़ करते हैं, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिकल और IO जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर का। सो हम एक्यूमुलेटर को क्यों यूज़ करते हैं, ये बेसिकली क्या है, एक 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, जिसको हम अर्थमेटिक या फिर किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, या कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या फिर लोड स्टोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये आपका कनेक्टेड किससे होता है, ये आपका इंटरनल डेटाबस और ALU से कनेक्टेड होता है। अब मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कैसे कनेक्टेड है। तो ये है आपका एक्यूमुलेटर जो कि क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये आपका 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, और ये किससे किससे कनेक्टेड है आप देख सकते हैं, ये आपका ALU से कनेक्टेड है, एंड किससे कनेक्टेड है, ये आपका इंटरनल डेटाबस से भी ये कनेक्टेड है। ठीक है, किससे कनेक्टेड है, इंटरनल डेटाबस से। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल डेटाबस है जिससे ये आपका कनेक्टेड है एक्यूमुलेटर। फाइन, अब हम देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये आपका क्या करता है, ये आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर भी आपका इसके लिए यूज़ होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम एक्यूमुलेटर का भी यूज़ करते हैं, एज वेल एज आपका मेन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपका यूज़ होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। लाइक आपको अगर एडिशन करना है तो भी आप ALU में करेंगे, देन आप ALU के थ्रू कर सकते हैं, देन सब्ट्रैक्शन भी ALU के थ्रू कर सकते हैं,
एंड और ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस भी आप ALU के थ्रू परफॉर्म करेंगे। ये बेसिकली आपके जो भी आपके 8-bit डेटा है उस पे आपका ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यानी 8-bit डेटा पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं ALU के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। सो जनरल पर्पज रजिस्टर किसको बोलते हैं? तो जनरल पर्पज रजिस्टर ये बेसिकली आपके इस माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर टोटल 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स यूज करते हैं। कौन कौन से? BCDEHL, ठीक है। तो 6 आपके जनरल पर्पज रजिस्टर्स यूज होते हैं BCDEHL, और हर एक रजिस्टर जो है वो आपका 8-bit डेटा को होल्ड करता है। कितने बिट डेटा को होल्ड करता है? 8-bit डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपके पेयर्स में वर्क करते हैं, ठीक है। और ये पेयर्स में टोटल कितने बिट डेटा को होल्ड करेंगे? 16-bit डेटा को, क्योंकि हर एक रजिस्टर जो है वो 8-bit डेटा को होल्ड करता है। तो अगर पेयर्स में होंगे यानी 2 रजिस्टर्स होंगे तो 16-bit डेटा को होल्ड करेंगे, और उनके पेयरिंग कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज करते हैं? BC यानी B के साथ C यूज करते हैं, DE यानी D के साथ E यूज करते हैं, H के साथ L यूज करते हैं। तो हमारा पेयर बन जाता है BCDEHL, ठीक है। तो हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर्स ये यूज होते हैं। तो अब हम जनरल पर्पज रजिस्टर्स को देख लेते हैं, BCDEHL कहाँ है। तो ये रहे आपके BC, ठीक है, BC है, DE है एंड HL है, ठीक है। तो ये आपके जितने रजिस्टर्स थे BCDE एंड HL, ये आपके जनरल पर्पज रजिस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि आपके 8085 के आर्किटेक्चर में यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोग्राम काउंटर की। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है? ये आपका कितने बिट का रजिस्टर है? ये आपका 16-bit का रजिस्टर है, जिसे हम किसी भी मेमोरी लोकेशंस पे जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूट करना है, जो भी हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस लोकेशन को स्टोर करता है, ठीक है। फिर से सुनिए, प्रोग्राम काउंटर एक 16-bit रजिस्टर होता है जो कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके मेमोरी एड्रेस के लोकेशन को स्टोर करता है, ठीक है। कौन? प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीमेंट द प्रोग्राम व्हेन एवर एन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपका प्रोग्राम को इंक्रीमेंट करता है जब भी आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो इससे प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लगता है, यानी जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो आप उसको आपका प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? पॉइंट करता है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका 16-bit रजिस्टर है, जिसे हम क्यों यूज करते हैं? जिसे हम जो भी नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम काउंटर कहाँ है। तो प्रोग्राम काउंटर की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका प्रोग्राम काउंटर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका प्रोग्राम काउंटर जो कि 16-bit रजिस्टर है, और इसे हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैक पॉइंटर की। सो स्टैक पॉइंटर क्या है? ये भी आपका 16-bit रजिस्टर है और ये आपका स्टैक की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर की तरह आपका ये स्टैक पॉइंटर भी आपका 16-bit रजिस्टर है और ये बिल्कुल स्टैक की तरह काम करता है, जो कि हमेशा इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है बाय 2। यानी जब भी हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो या तो पुश करने पे आपका क्या हो जाएगा? 2 से इंक्रीमेंट कर जाएगा, या हम डेटा को जब पॉप करेंगे तो हमारा 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा,
ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर बिल्कुल स्टैक की तरह होता है, इसमें भी पुश पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ये बेसिकली 16 बिट रजिस्टर होता है जिसमें हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से, और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने पे डिक्रीमेंट हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर को देख लेते हैं, कहाँ है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर आपका यहाँ है 16 बिट, प्रोग्राम काउंटर के जस्ट ऊपर आपका स्टैक पॉइंटर है। तो स्टैक पॉइंटर हमारा 16 बिट रजिस्टर है जिसे आपका पुश एंड पॉप ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बिल्कुल स्टैक की तरह। और जब भी हम डेटा को पुश करते हैं तो हमारा 2 से इंक्रीमेंट हो जाता है, और जब भी हम पॉप करते हैं तो 2 से डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्पररी रजिस्टर की। सो टेम्पररी रजिस्टर क्या है, ये भी आपका 8 बिट रजिस्टर है जिसमें हम टेम्पररी डेटा, जो भी आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का जो भी टेम्पररी डेटा होता है वो हमारे किस में होल्ड करते हैं, हम टेम्पररी रजिस्टर के अंदर यू होल्ड करते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी रजिस्टर बेसिकली क्या है, 8 बिट रजिस्टर है जिसे हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस का जो भी टेम्पररी डेटा होता है उसको होल्ड करने के लिए हम इस टेम्पररी रजिस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर की। सो फ्लैग रजिस्टर क्या है, ये बेसिकली आपका 8 बिट रजिस्टर है। तो 8 बिट रजिस्टर है और ये आपका 5 1 बिट फ्लिप फ्लॉप को होल्ड करता है, ठीक है। यानी फ्लैग रजिस्टर में आपका क्या होता है, 5 1 बिट फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, और बेसिकली ये 8 बिट रजिस्टर होता है जो कि आपका या तो 0 होल्ड करता है या 1 होल्ड करता है, जैसा कि आपका रिजल्ट होगा उस पर डिपेंड करता है कि वो 0 होल्ड करेगा या 1 होल्ड करेगा, ठीक है। जो भी आपका एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर है, जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट स्टोर है उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका 0 या 1 को होल्ड करता है कौन, फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। बेसिकली ये 8 बिट रजिस्टर होता है। तो हम देख लेते हैं फ्लैग रजिस्टर को और टेम्पररी रजिस्टर को। तो टेम्पररी रजिस्टर भी आपका 8 बिट रजिस्टर है जिसे हम जो भी आपका अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होता है उसके टेम्पररी डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, और फ्लैग रजिस्टर को हम 5 फ्लिप फ्लॉप इसमें हम कंटेन करते हैं जो कि 0 या 1 को होल्ड करता है। तो टेम्पररी रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर को देख लेते हैं। तो टेम्पररी रजिस्टर हमारा कहाँ है, ये आपका फ्लैग, ठीक है, जिसमें आपके 5 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, ठीक है, और ये है आपका टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है। टेम्पररी रजिस्टर क्या करता है, जो भी आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का टेम्पररी डेटा है उसको होल्ड करेगा, और फ्लैग रजिस्टर 0 या 1 को होल्ड करता है, इसमें 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, फाइन। और ये 5 फ्लिप फ्लॉप कौन कौन से होते हैं, साइन, 0 और ऑक्सिलरी कैरी यानी AC फ्लैग। तो ये आपके 5 फ्लैग्स कौन कौन से होंगे, साइन यानी S फ्लैग, 0 यानी Z फ्लैग, और ऑक्सिलरी कैरी यानी AC फ्लैग, पैरिटी यानी P फ्लैग, एंड कैरी यानी C फ्लैग, ठीक है। तो आपके 5 फ्लैग्स होते हैं, S फ्लैग, Z फ्लैग, AC फ्लैग, P फ्लैग एंड C फ्लैग। तो साइन फ्लैग, 0 फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग, ठीक है। अब इसकी बिट पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो D7 पे आपका क्या होता है, S होता है, D6 पे आपका Z होता है यानी 0 फ्लैग होता है, D7 पे आपका साइन फ्लैग होता है, D6 पे आपका 0 फ्लैग होता है, D4 पे आपका AC फ्लैग होता है, D2 पे आपका पैरिटी फ्लैग होता है, और D0 पे आपका कैरी फ्लैग होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर को। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर क्या होता है, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर जो है वो आपका 8-बिट रजिस्टर है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका मेमोरी से फेच किया जाता है तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो हम किस में रखते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी से फेच करते हैं, मान लीजिए ये आपकी मेन मेमोरी है, इससे हम इंस्ट्रक्शन को फेच करके किस में रखते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रखते हैं, IR के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को फेच करके हम मेमोरी से किस में रखते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो भी आपकी इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको डिकोड करता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि जो भी आपकी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच होगा वो सबसे पहले किस में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी डेटा है उसको डिकोडर क्या करता है, डिकोड करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल। ये क्या है, ये आपका सीरियल डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है बाय टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दो इंस्ट्रक्शन का यूज करके ये क्या करता है, सीरियल जो भी डेटा कम्युनिकेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। और ये बेसिकली SID यानी सीरियल इनपुट डेटा और SOD यानी सीरियल आउटपुट डेटा दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसके थ्रू क्या करता है, जो भी सीरियल डेटा कम्युनिकेशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल कहाँ है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल आपका यहाँ है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे SID, ठीक है, यहाँ पे आपका SID है और यहाँ पे SOD है, दो इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल में, जिससे हम सीरियल डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है, ये हमने डिस्कस नहीं किया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर को देख लेते हैं कहाँ है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यहाँ है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन डिकोडर यहाँ पे है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, ये आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को ये क्या प्रोवाइड करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो क्या कर सके, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर को देता है, जिससे वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। और कुछ आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट को। तो कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रेडी हो गया, RD हो गया, रीड, WR, राइट एंड ALE, ठीक है। तो तीन कंट्रोल सिग्नल्स यूज़ किया जाते हैं, सॉरी फोर, रेडी, RD, WR और ALE। स्टेटस सिग्नल यूज़ किए जाते हैं S0, S1, इनपुट आउटपुट M। फिर DMA सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, होल्ड, HLDA, और फिर होता है रीसेट सिग्नल, जिसमें रीसेट इन और रीसेट आउट होता है। ये सारा कुछ हम पिन डायग्राम में डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो इंटरप्ट कंट्रोल की बात करें तो इंटरप्ट कंट्रोल क्या है, जैसा कि इसका नाम है, ये आपका क्या करता है, ये आपका इंटरप्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब भी हमारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ये इंटरप्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, इंटरप्ट कंट्रोल, ठीक है। और जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई भी मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, और अगर इंटरप्ट अकर हो जाता है, यानी इंटरप्ट जनरेट हो जाता है जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो अगर इंटरप्ट जनरेट हो गया तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ये आपका कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा मेन प्रोग्राम से, जो भी आपका प्रोसेस का इनकमिंग रिक्वेस्ट है उस पर, ठीक है। और जब वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तब कंट्रोल फिर से आपका मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा और मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेगा। फिर से समझिए क्या बोला मैंने, इंटरप्ट कंट्रोल जो है वो आपका क्या करता है, ये इंटरप्ट को कंट्रोल करने का काम करता है ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जब भी कोई मेन प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट कर रहा है और इंटरप्ट आकर हो गया तो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा मेन प्रोग्राम से किस पे, इनकमिंग रिक्वेस्ट पे, और इनकमिंग रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर से जो कंट्रोल होगा वो वापस आ जाएगा मेन प्रोग्राम पे और मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है। फाइव इंटरप्ट सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं 8085 के अंदर। कौन कौन से इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, INTR होता है, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड TRAP, ठीक है। तो फाइव आपके इंटरप्ट कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं, फिर से सुनिए, INTR, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड TRAP, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं इंटरप्ट कंट्रोल कहाँ पे है। तो इंटरप्ट कंट्रोल हम टाइमिंग एंड कंट्रोल को यहाँ देख सकते हैं, और इंटरप्ट कंट्रोल कहाँ पे है आपका, ये है आपका इंटरप्ट कंट्रोल, जिसमें आपका INTR,
INTA, ठीक है, RHT 5.5, 6.5, 7.5 एंड ट्रैप है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके। अब हम देखते हैं एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर। ये क्या करता है, जो भी कंटेंट स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर होता है और प्रोग्राम काउंटर के स्टोर अंदर स्टोर होता है, उसको हम किस पे लोड करते हैं, एड्रेस बफर पे, ठीक है। फिर से सुनिए, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर का जो भी कंटेंट स्टोर होता है उसमें, उसको हम एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर पे लोड करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, सीपीयू से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। मेमोरी और आईओ चिप जो है वो आपकी इन बसेस से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। यानी यहाँ देख सकते हैं, जो आपकी मेमोरी चिप और आईओ चिप होती है वो आपकी इन बस से कनेक्ट होती है, और ये आपके एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर जो यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आपके कनेक्ट होते हैं। जो भी आपका स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर का डेटा है उसको यहाँ से क्या करते हैं, ये लोड करते हैं एड्रेस बस, एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर पे, ठीक है। और सीपीयू जो है वो आपका डिजायर डेटा को एक्सचेंज कर सकता है मेमोरी से और आईओ चिप के बीच में, यानी मेमोरी और आईओ चिप के बीच में ये डेटा को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है सीपीयू। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेस बस एंड डेटा बस की। तो डेटा बस जो है वो आपका डेटा को कंटेन करता है, जो भी स्टोर डेटा होता है उसको कैरी करने का काम करता है डेटा बस। ये बाई डायरेक्शनल होता है, और जहाँ पे आपका एड्रेस बस है वो आपका लोकेशंस को कैरी करता है, और ये आपका कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और इसे हम यूज़ करते हैं, एड्रेस बस और डेटा बस को हम यूज़ क्यों करते हैं, टू ट्रांसफ़र द डेटा एंड एड्रेस आईओ डिवाइसेस, ठीक है। यानी आईओ डिवाइसेस को डेटा और एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर से सुनिए, डेटा बस जो है वो आपका डेटा को स्टोर कर, जो भी स्टोर डेटा होता है उसको कैरी करता है, और ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि एड्रेस बस जो है वो आपका जो भी आपका स्टोर लोकेशंस होती हैं उसको कैरी करता है, और ये यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और इसे हम डेटा और एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमने पूरा आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया। आर्किटेक्चर आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में पिन डायग्राम को डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।